ऑलराइट, सो फ्रेम वन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ्रेम टू की तरफ जाएंगे, और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्रेम वन है इसकी जो लेयर्स हैं उनको मैं ऑफ करूँगा हियर विद दिस ग्रुप, और मैं यहाँ पर इसी इमेज की एक और कॉपी लूँगा. मैं प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम माई कीबोर्ड और लेट्स जस्ट जूम इन. जो मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके मुताबिक मैं इसको एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प में लेके जाऊंगा, और वहाँ पर मैं इसको करूँगा ए आर सी. और अगर आप लोग यहाँ पर जो उसका बैंड है उसके ऊपर नंबर्स टाइप करें, तो मैं यहाँ पर 25 बैंड जो है मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, और मैंने इसको दो दफ़ा एंटर प्रेस किया है. मुझे जिस तरह के ये नंबर्स इस वजह से याद हैं क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई किया है, और दूसरा इनको मैंने प्रॉपरली ट्यूटोरियल बनाने के लिए इनको राइट डाउन किया है. सो मैं डायरेक्टली इसको टाइप कर रहा हूँ ताकि मैं अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना करूँ इसको ड्रैग करने के लिए. सो उसके बाद मैंने यहाँ पर ए आर सी अप्लाई किया है, तो मैंने इस वार्प फ्रेम में एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प का जो इफ़ेक्ट है उसे दोबारा अप्लाई किया है, और मैंने यहाँ पर जो फिश है उसको दोबारा से अप्लाई किया है, और मैंने यहाँ पर इसका जो नंबर है उसको टाइप किया है 25, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा. सो मैं इसको कंफर्म करूँगा. इसको कंफर्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको जूम आउट करेंगे, और मैं ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी लूँगा. अब जैसा कि आप लोग देखेंगे कि ये जो दो जॉइंट्स हैं ये आपस में नहीं मिलते, सो मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको हॉरिजेंटिकली फ्लिप करूँगा. हॉरिजेंटिकली फ्लिप करने के बाद मैं यहाँ पर इसको जूम इन करूँगा, और मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा समथिंग लाइक दिस. इन दोनों को मैं प्रॉपरली अलाइन करूँगा, और अलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पे इसका जो क्रॉपिंग अमल है वो कर सकता हूँ. सो इसके जो एजेस हैं उसको बनाने के लिए हम लोग इसके जो सेंटर पॉइंट्स हैं इन दोनों को आपस में कट करेंगे. सो लेट मी ट्राई फ्रॉम बॉटम. मेक श्योर कि आपकी जो लेयर है प्रॉपरली वो सेलेक्ट है. मैं यहाँ पर इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और प्रेसिंग डिलीट, मैं इसको डिलीट करूँगा कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, और मैं यहाँ पर इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, और यूजिंग माय इरेजर टूल मैंने यहाँ पर इसकी जो हार्डनेस है उसको 100 किया है ताकि इसकी ये जो फीदर हैं वो ना बने. सो मैंने इन दोनों फ्रेम्स को मैंने आपस में ज्वाइंट किया है. ज्वाइंट करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसी फ्रेम को एक लेयर में तब्दील करेंगे, और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी कॉपी भी बना सकता हूँ, बट लेट्स जस्ट कीप गोइंग. मैं यहाँ पे इसको हॉरिजेंटिकली फ्लिप करूँगा, और उसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, और मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा. सो रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर प्रॉपरली एडजस्ट करूँगा. लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग. सो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी यहाँ पर एक थोड़ी सी जो कटिंग का अमल है वो करूँगा. ओके, सो हम लोगों ने इसको इस तरह कट किया है, और कट करने के बाद अब हम लोग इन दोनों लेयर्स को ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद इसकी एक कॉपी लेंगे, और उसे हम लोगों ने जिस तरह पहले अपने फ्रेम्स को ज्वाइंट किया था उस तरह हम लोग इसको ज्वाइंट करेंगे. सो यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने पहले ट्यूटोरियल में फ्रेम के जो कॉर्नर्स हैं उसको ज्वाइंट किया था, इसी तरह हम लोग इसको भी ज्वाइंट करेंगे. सो मैं अपनी जो वीडियो है उसके कुछ पार्ट्स को स्किप करूँगा. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर अपना जो पॉलीगॉन लैज़ो टूल है उसका इस्तेमाल करूँगा. लेट मी ट्राई. D to deselect.
मेक श्योर कि आपकी जो करेक्ट लेयर है वो सिलेक्ट है एंड कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट. ऑलराइट, सो इसको भी हम लोग जूम आउट करेंगे और हियर इज आवर फ्रेम. सो हम लोगों ने सिंपल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और वही सेम पीस है हम लोग उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोग मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रेम्स हैं उनको बना रहे हैं. सो दिस इज द फ्रेम विच वी डन आई थिंक दिस वन, या दिस वन फ्रेम ये हम लोगों ने यहाँ पर अभी कवर की है. सो विल गो फॉर नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट फ्रेम.